तो पीएम मोदी पश्चिम बंगाल ना प्रवासे हता त्यारे बंगाल पहुंची ने तेमणे ठाकुरनगर में एक जनसभा ने संबोधन कर्यु। रेली ने संबोधित करता पीएम मोदीए कहूं कि आजनी रेली में उमटेली मानव मेदनी जोईने ज खबर पड़ी जाय छे कि दीदी केम हिंसा पर उतरी आव्या। बंगाळनी जनतानो अमारा प्रत्ये प्रेम जोईने डरी गयेला अने लोकतंत्रने बचाववाना नाटक करी रह्या लोको निर्दोष लोकोनी हत्या करवा पर उतरी आव्या छे। बंगाळनी स्थिति खूब खराब छे, अमारी सरकार अहींनी परिस्थिति बदलवाना प्रयास करी रही छे। अहींनी सरकारे क्यारे गामडा तरफ नजर ज करी नथी। तो खेडूतो अंगे वात करता पीएम मोदीए कह्युं कि देशना 12 करोड़थी वधु नाना खेडूत परिवारने 30-40 करोड़ श्रमिको अने 3 करोड़थी वधु मध्यम वर्गना परिवारने सीधो लाभ मळशे। तो कांग्रेस पर वार करता कह्युं कि अनेकवार खेडूतोनुं देवा माफीने नामे राजकारण करीने तेमनी आंखोमां धूळ नाखवामां आवी रही छे। अनेक राज्योमां खेडूतोना नामे वोट बैंक उभी करवाना प्रयासो थई रह्या छे। तो थोड़ा ज खेडूतोने योजनाओनो आ लाभ मळतो नथी, जेने देवा माफीनो लाभ मळतो तेना ज थोड़ा ज वर्षोमां फरी देवादार थई जता एवा खेडूतोना देवा माफ थई रह्या छे कि जेओए लोन लीधी ज नथी। ये दृश्य देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई है। ये आपका प्यार है जिसके डर के कारण लोकतंत्र का बचाव के नाटक करने वाले लोग निर्दोष लोगों की हत्या करने पर तुले हुए हैं। कई बार राजनीति करके किसानों की आंख में धूल झोंकने के निर्लज प्रयास हुए हैं। किसानों के भोलेपन का स्वार्थी दलों ने कई बार लाभ उठाया है। 10-12 वर्षों में चुनाव को देखते ही एक बार कर्ज माफी करके ये स्वार्थी दल किसानों का कुछ भला नहीं कर रहे थे। चंद किसानों को इसका लाभ मिलता था और खासकर छोटे किसान आजादी से अब तक इंतजार करते रह जाते थे। जिन किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिलता भी था वो भी कुछ वर्षों के बाद फिर कर्जदार ही बन जाते थे। सांप्रदायिक दुर्भावना से वहां पर लोगों पर जुल्म हुए, अत्याचार हुए और परिणाम स्वरूप लोगों को यहां वहां अपने अपने उन देशों को छोड़कर के आना पड़ा। किसी को अफगानिस्तान से आना पड़ा, किसी को पाकिस्तान से आना पड़ा, किसी को बांग्लादेश से आना पड़ा, कभी हिंदुओं को आना पड़ा, कभी सिखों को आना पड़ा, कभी जैनों को आना पड़ा, कभी पारसियों को आना पड़ा। समाज के ऐसे लोगों को हिंदुस्तान के सिवाय कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सम्मान पूर्वक रहने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ऐसे लोगों का कोई गुनाह है क्या? और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम नागरिकता का कानून लाए हैं। मैं यहां के टीएमसी पार्टी को कहता हूं कि आप नागरिकता के कानून का समर्थन कीजिए, पार्लियामेंट में पारित होने दीजिए। ये मेरे भाइयों बहनों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। देश के टुकड़े हुए, इनकी जिंदगी आपने तबाह की है।